नमस्कार परीक्षार्थियों, यदि आपको सामाजिक विज्ञान बोर्ड पेपर में से पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो ये कॉपी जरूर देखना। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लिखने का तरीका कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको किस तरह से उसका आंसर लिखना है। यदि आपको पूरा आंसर आता है या फिर आधा अधूरा भी आंसर आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये कॉपी है बोर्ड के टॉपर विद्यार्थी की 2019 के, तो इसमें इसने जो है किस प्रकार से आंसर दिया है। यहाँ पर जो आंसर पहला जो प्रश्न पूछा गया था इस विद्यार्थी से कि महाजनपदों के नाम लिखना है, किन्हीं दो महाजनपदों के नाम लिखना है, तो उसने किस प्रकार से अंडरलाइन करके पॉइंट वार उत्तर दिया है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान में से पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो इस विद्यार्थी की तरह ही आपको लिखना होगा। इसने किस प्रकार से लिखा है महाजनपदों के नाम मगध वत्स, ठीक है। तो इसने पॉइंट वार पहला फिर सेकेंड इस प्रकार से किस प्रकार से दिया। दूसरा है बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए एक विभाग का गठन किया, तो उसने पूरा का पूरा थोड़ा डाउटनेट पर होगा। अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, इसे सबमिट करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th से लेकर नीट आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। थोड़ा प्रश्न भी लिखा और फिर उसने किस प्रकार से उसको कॉमन इंटरमीडिएट कॉमा में जो है इसको अंडर किया और इस प्रकार से इसने दीवाने आरिज लिखा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। यदि आपको पूरे प्रश्न आते हैं और लिखने का यदि तरीका नहीं आता है तो भी आपके 5, 10 या 15 नंबर जो है लेस हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से लिखना है। सबसे जो है ध्यानपूर्वक आपको लिखना होगा, जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अक्सर ज़्यादा मायने नहीं रखते, बस लिखावट मायने रखती है। किस प्रकार से लिखना है, लिखने का तरीका मायने रखता है, न कि किस प्रकार मतलब लिखने की जो स्टाइल है वो मायने कोई नहीं रखती, ठीक है। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक एच जे लास्की व डिग्री, और एक मैं आपको बोल दूं थोड़े जो अक्षर है वो थोड़े बड़े बड़े लिखे जिससे क्या हो कि परीक्षक जो है वो कॉपी जो चेकर है उसको दिखने में जो आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे चेकर आपको पता ही है टीचर है उनके जो है ऐनक लगे हुए होते हैं। चौथा है तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना के में आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य हिस्सेदार हैं, तो इस प्रकार से यहाँ किस प्रकार से आंसर देने की कोशिश की, जो आंसर था मोस्ट आंसर था उसके नीचे अंडरलाइन की। तो आपको भी इसी प्रकार से जो है आपको अंडरलाइन करके ही लिखना है, ऐसे आंसरों का ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की इसी प्रकार का होना चाहिए। फिर है उत्पादन को परिभाषित इसने किस प्रकार से किया है, उपयोगिता का सर्जन व मूल्य वृद्धि का सर्जन ही उत्पादन कहलाता है। मतलब उसके इस बच्चे के इतने अक्षर भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन जो लिखने का जो तरीका है किस प्रकार से उसने लिखने की जो कोशिश की है वो सबसे बेस्ट है। इसलिए आपको यदि आपके सामाजिक विज्ञान मतलब आप पेपर कल देने जा रहे हो तो आपको लिखने का यही तरीका होना चाहिए, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। यदि सामाजिक विज्ञान में पूरे के पूरे अंक यदि आपको प्राप्त करने हैं, 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पूरा पता होता है, पूरा रटा हुआ उत्तर होता है, लेकिन वो लिखने का तरीका यदि नहीं जानते हैं तो उनके कई नंबरों का जो है लेस हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों में परिवहन संचार आदि शामिल हैं, तो उसने किस प्रकार से लिखना है। प्रश्न ये था कि प्रत्येक क्षेत्र में किन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, तो उसने दो लिखा परिवहन और एक संचार, तो उसने किस प्रकार से उसके आंसर देने की कोशिश की है। अब ये तो थे कुछ अति लघुरात्मक जो छोटे छोटे थे, अब बात आती है थोड़े लघुरात्मक नीति आयोग का कार्य है, तो उसने किस प्रकार से लिखने का था मतलब किसी न किसी एक संकेत के द्वारा समझाने की कोशिश की है, जबकि संजीव में ऐसा है भी नहीं। थिंक टैंक योजनाएं बनाना जो नीति आयोग के ही उप समूह ज्ञान व नवाचार हब द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार उसने मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, ये बेरोजगारी क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण किस प्रकार से उसने दिया है, मतलब जो ज़्यादा पूछा नहीं गया है। मतलब और एक बात बोल दूँ, एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत करना, जो पूछा गया है आंसर सटीक देना है और सही देना है, ये नीति अपनाना, सटीक व सही नीति अपनाना, ठीक है। और उस प्रश्न उसने 14 जो प्रश्न जो दिया हुआ है वो भी जो है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छे जो आंसर एकदम क्लिक ये वो एकदम राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े बड़े बड़े जो प्रश्न आते हैं, जैसे यहाँ पर आ सकता है इंटरनेट के महत्व,
क्या क्या इंटरनेट के महत्व है, तो उसने किस प्रकार से इंटरनेट के महत्व को समझा है, इस प्रकार से जो पूरे जो प्रश्न है उसने हल किए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने हल करने की कोशिश की। यदि आप 29 जून 2020 को कल पेपर देने वाले हो तो इसी प्रकार से आप लिखने की कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप लिख जाते हो तो भी आपके 10-15 नंबर जो है ज़्यादा ही आएंगे, ये मैं आपको बोल दूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी सीख ले, वीडियो जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ऐसी अपडेट्स वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।